Hi friends, success training में relationship is very very important, relationship everything, right? तो आज हम लोग देखते हैं कि ये खास करके लड़की लोग के लिए है. 15 तरह के लोग है, लड़का है जिसे आपको शादी नहीं करना चाहिए. मैंने फेसबुक में लड़कियों के लिए बताया, मतलब किस तरह का लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए. सेम चीज़ मैं बताऊंगा कि लड़के किस तरह के लड़के से आपको शादी नहीं करना चाहिए. इंटरेस्टेड? चलो लेट्स सी. देखिए कुछ लोग हैं ना बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं. नैरो माइंडेड मतलब सिर्फ अपना उनकी ओपन माइंडेड नहीं होता है ना, बहुत नैरो माइंडेड लड़का होते हैं. मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा ये एक्सट्रीम केसेस होता है. हाँ, सबके पास ये थोड़ा थोड़ा होगा ही, थोड़ा थोड़ा होने से कुछ नहीं होता है. लेकिन जिसके पास 80% 100% 90% ये चीज़ें हैं, उन लड़के को अवॉइड करना चाहिए. बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं, इनको इनसे आपको दूर दूर रहना चाहिए. ठीक है, एक हो गया. दूसरा पॉइंट है, पता नहीं ये कितना सच है और मेरा एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है तो बताता हूँ. जो लड़के लोग एनिमल्स को हेट करते हैं, राइट, एनिमल्स पसंद नहीं है, ये सब पसंद नहीं है, उनसे भी दूर रहना चाहिए बोलते हैं. पता नहीं, आप सोच लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नहीं है मतलब एनीबडी हेट्स एनिमल, यू नो, उस तरह का लड़के से भी आपको शादी नहीं करना चाहिए एक्सट्रीम केसेस में. ओके, सेकेंड ये हो सकता है कि यू नो क्यों ऐसा हो सकता है पता नहीं, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं, अदर एनिमल से जो प्यार होता है ना वो लड़का अपने लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा समझते हैं ये. ये होना चाहिए. सेकेंड हम लोग समय रिलेशनशिप का क्या होता है ना, ये इस तरह का बंदे है ना, इनके लिए रिलेशनशिप कुछ मानी नहीं रखता है. रिलेशनशिप का रूल होता है, यू नो, कभी कॉल करना, कब बातें करना, टाइम स्पेंड करना, रिलेशनशिप का एक कमिटमेंट होता है. ये इनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है. तो इस तरह का जो रिलेशनशिप का मीनिंग नहीं समझते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, इस तरह का लड़के से भी आपको दूर रहना चाहिए. अदरवाइज यू विल बी इन डीप ट्रबल, है ना. तो दूसरा एक देखते हैं कि किस तरह का लड़का है, जिस चौथा भी देखते हैं, जो लड़का बार बार आपका प्रॉमिस जो है तोड़ता है, करेक्ट, उनसे भी दूर होना चाहिए. क्योंकि कभी ना कभी ये बढ़ते जाएगा और जो प्रॉमिस तोड़ता है, जो कमिटमेंट तोड़ता है, एक क्लियर कट है कि आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आपको रेस्पेक्ट नहीं देता है, उसकी बात पे ही वो अड़े नहीं रहता है ना. जो अपने बात का वैल्यू नहीं देते हैं, दूसरा कोई उसका बात का किधर वैल्यू देगा, राइट. तो ये सब चीज़ है, जो प्रॉमिस बार बार तोड़ता है, ही इज़ नॉट द गुड गाय टू गेट मैरिड, है ना, ये अच्छे लड़के नहीं है जिसे आपको दूर रहना है. ठीक है, उसके बाद होगा पांचवा, हम लोग सोच सकते हैं कि आपको हमेशा सेकेंडरी ट्रीट देता है, यू नो. सेकेंडरी ट्रीट मतलब आपको उतना फर्स्ट इम्पोर्टेंस नहीं देता हमेशा, यू नो, यू ट्रीट भी ऐसा सेकेंडरी, कहीं भी जाने में, कुछ देने में, खरीद के देने में, गिफ्ट में, इम्पोर्टेंस हर जगह पे, कहीं पे इंट्रोड्यूस करने में, हर चीज़ में, है ना, आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देता है. दिस गाय इज़ रियली वेरी डेंजरस. तो इनसे आपको दूर रहना चाहिए. फिर हम लोग देखते हैं कि वन सेकंड, फोन और दो. ओके, छठो पॉइंट देखते हैं कि एपिबमी. ये क्या होता है एपिबमी? यू नो, एक बंदा होता है कि वो जो बोलता है सही है, वो जो करता है वो सही है, यू नो, सबके पास ही होना चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए. लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, यू नो, वो जो सोचते हैं सही है, वो जो करते हैं सही है, ऐसा. तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई हर समय पे सही नहीं होता है, यू नो, चेंज करना होता है, यू नो, कभी गलत हो सकता है. तो ये लड़के भी बहुत डेंजर है, जो हमेशा अपने आप को सही समझते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना है. फिर हम लोग देखते हैं कि सेवेंथ पॉइंट, कुछ भी काम होगा आप जैसे उनको करते हो, या फिर कुछ काम करने के लिए बोलते हो, है ना, जो भी होगा, एक्सक्यूज जो है ना, एक्सक्यूज, एक्सेसिव एक्सक्यूज देता है, यू नो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, एक्सेसिव जो एक्सक्यूज देता है, इस
लड़के से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लेवल पे एक्सक्यूज ठीक है, लेकिन हमेशा ज़्यादा एक्सक्यूज करने वाले भी डेंजर है. यू नो यू कैन नॉट कमिट विद दिस गाय. ठीक है, एक्सेसिव एक्सक्यूजेस. ओके, नेक्स्ट 8 है, वेरी इंटरेस्टिंग है एंड ये सबके लिए लागू होगा, सब रिलेशनशिप के लिए. जो लड़का लड़की में भी शामिल होगा, जो लड़का लड़की या कोई भी अपना रिलेशनशिप में है, फाइट जो झगड़ा को जिंदा रखते हैं, राइट, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, उस चीजों को लेके वो इतना अड़े रहते हैं और उसको वो जो जख्म को हमेशा और उसको जख्म करके और उसको ताजा बना के अपनी जो नफरत है उसको ताजा रखते हैं, यू नो कभी भूलते नहीं है, यू नो इसको ऐसा जिंदा रखते हैं. द पर्सन हु की यू नो वो आपकी जो मिस्टेक्स है, जो भी गलतियां हैं, जो फाइट है, उसको जिंदा रखते हैं ना, उसको कोशिश नहीं करते हैं भूल जाने का, समझने. डेंजर, यू नो बिफोर गेट मैरिड आपको ये सब समझ में आता है कि लड़का ऐसा बहुत डेंजर है, सब कुछ है. बी वेरी सावधान एंड जो फाइट को जिंदा रखते हैं दूर रहना उनसे, क्योंकि दैट कुड बी अ वेरी ड्रास्टिक फाइट. समझ सकते हो, क्योंकि शादी के बाद भी आपका ये हालत होगा, क्योंकि जो झगड़ा हुआ छोड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको छोड़ेंगे नहीं है, राइट. ये हो गया 8th पॉइंट, हो सकता है कि 8th 9th पॉइंट, ये जहाँ पे आप कोई स्टोरी स्टार्ट करते हो, राइट, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, हम लोग यहाँ पे गए थे. आपकी जो बातें हैं, आपकी जो स्टोरीज हैं, उसको बंद कर देता है, सुनता नहीं है. इनसे भी दूर रहना. आपकी स्टोरी फालतू हो सकता है, कुछ मीनिंगफुल नहीं हो सकता है, लेकिन सुनना चाहिए यार, आपका भी वैल्यू बनता है. आपकी जो कहानी है उनके साथ शेयर करना चाहते हो, सुनना चाहते हैं, गॉट अ पॉइंट. जो आप की स्टोरीज हैं वो सुनना चाहिए, प्यार से सुनना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए. इनसे जो सुनते हैं ये एक क्वालिटी होता है, जो सुनते नहीं है आपको इनसे दूर रहना चाहिए, बिकॉज दैट कुड बी ए वेरी डेंजरस साइन, यू नो दैट आपका जो कॉन्वर्सेशन है खत्म कर दे, ये बस बस ठीक है बाकी बोला और क्या है ना. तो इनसे सावधान रहना, बिकॉज दैट कुड बी ए डेंजरस वन. ओके, 9th हो गया, अभी 10th में जाते हैं. जो सिंपल है, झूठ बोलते हैं, राइट, द पर्सन हु टेल्स यू लॉट ऑफ लाई, एक्चुअली दे आर द नेगेटिव पीपल, दे सच्चाई का सामना ही कर, मैं उनको सब डरपोक बोलता हूँ जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो सच्चाई फेस नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वो डर के होते हैं, या तो रिलेशन खो देंगे इसके लिए डरते हैं. 100% हरिचंद्र बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय झूठ नहीं बोलना चाहिए. जो बंदा झूठ बोलते हैं, जबरदस्त झूठ बोलता है, गेट अवे, बिकॉज एनी टाइम ही कैन बी पुट यू इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन, राइट. सो जो बंदा झूठ बोलता है उनसे दूर रहना, दैट्स अ सेफ, ठीक है, जिंदगी भर आपको सेफ रहना है, उसकी बातें करता हूँ. ओके, फिर हम लोग चलते हैं 11th पॉइंट में है क्लिंगी, यू नो चिपकते रहते आपके साथ. आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, व्हाट्सएप में क्या है, फोन पे क्या है, यू नो मैसेज में क्या है, किसके साथ बात करते हो, कॉल वेटिंग में था, कौन है, यू नो डेंजर. हाँ, कुछ लेवल तक ठीक है, एक कैरिंग तक ठीक है, लेकिन जो आपको एक स्पेस नहीं दे सकता, आपको फ्रीडम नहीं दे सकता, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, ज़्यादा क्लिंकी है डेंजर, बिकॉज दैट कैन हिट, दैट कैन टर्न इनटू पोसेसिवनेस, देन द जेलसी होगा, फिर दैट कैन पॉइजन योर रिलेशनशिप, समझ गया ना. तो जो बहुत ही क्लिंकी है, सावधान. ओके, 12th पॉइंट में जाते हैं. जो लड़का फैमिली पसंद नहीं है उसको, ठीक है, वो फैमिली से ही नफरत करता है, वो हमेशा अकेले रहना, अकेले घूमना, है ना, ऐसा रहना पसंद करता है, वो कभी फैमिली में जुड़ता नहीं है. ये लिस्ट में मैं भी आऊँगा, लेकिन मैं बहुत सारे फैमिली से मिलता नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ है, राइट. जितना मेरा क्लोज है, जिसका मेरा जमता है, उनकी फैमिली के साथ रहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे ऊपर आता है, कभी मैं ऐसा करता हूँ क्या. हाँ, मैं भी थोड़ा ये सब फंक्शन विक्शन ज़्यादा अटेंड नहीं करता हूँ, ये सब चीज़ में होता है, बट फाइनली उसका खुद का फैमिली होना चाहिए, फैमिली, फ्रेंड्स, चाचा, मामा, सिस्टर, ब्रदर, इनके साथ अच्छा मुझे होना चाहिए, तो दैट्स अ प्रूफ, राइट. सो उस तरह का फैमिली को नफरत नहीं करना चाहिए,
उस तरह से लोग से आपको दूर रहना चाहिए, करेक्ट? सो बिकॉज ये जो फैमिली गेटर्स है ये हमेशा अकेले घूमने में अच्छा रखता है, इनको अकेले रहने में अच्छा रखता है, उसमें आप जुड़ गए हो, देखिए लाइफ पार्टनर चाहिए इसके लिए आपको ले सकता है, लेकिन आपको जो फैमिली फीलिंग ये सब होना चाहिए ना वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ही इज़ अ डेंजरस गाय, यू नो ही इज़ अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ गाइज, यू विल बी इन ट्रबल. सो द पर्सन हु हेट्स द फैमिली डोंट गेट मैरिड टू दम, बिकॉज यू नो दैट कुड बी अ वेरी डेंजरस फैक्टर हो सकता है, राइट? हो गया 13 पॉइंट बताता हूँ, शायद आप लोग लाइक करेंगे नहीं करेंगे, इसको सही है गलत है मुझे पता नहीं है. लास्ट वाला होगा जो एक्सेसिव बैड हैबिट्स होता है, राइट? लाइक एनीथिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अडिक्शन, यू नो विमल खाना, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें होते हैं जो कंटिन्यूस करते रहते हैं. अच्छा, आप उस तरह का लड़की हो जो थोड़ा चलता है ये सब चीज, यू नो सम गर्ल्स लाइक स्मोकिंग, राइट? एंड दे लव देयर पार्टनर टू स्मोक, ड्रिंक, यू नो ऐसा सब होता है. विमल खाने का अच्छा लगता है मुझे पता नहीं, बट सम यार ये सब लोग करते हैं उस तरह का, वो तो ठीक है, लेकिन एक्सेस आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और आपकी पार्टनर कंटिन्यूस करता है, एक दिन दिट कुड बी इन डेंजरस, यू नो ही कुड बी अ अल्कोहल अडिक्ट, ही कुड बी अ कंटिन्यूस स्मोकर, जो आपको उनके साथ जीना हराम हो जाएगा, यू नो. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल, बिकॉज एनी ऑफ दी वेरी बैड हैबिट्स इफ ही हैज देन डोंट, ये थोड़ा सावधान करता हूँ क्योंकि आज के ज़माने में आपको नॉन स्मोकर्स नॉन ड्रिंकर्स मिलना बहुत मुश्किल है, बट समय बहुत एडिक्शन वडिक्शन ऐसा होगा ना तो दैट कुड बी अ डेंजरस टू योर लाइफ, राइट? ये हो गया 13, फिर हम लोग चलते हैं 14th में, सेकेंड लास्ट पॉइंट. ये जो होता है ना इमेच्योर्ड लोग होते हैं, राइट? जो हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, किसी से भी फटाफट झगड़ा, फटाफट दोस्ती, फिर रोना धोना, यू नो वो एक मेच्योरिटी जो डीलिंग नहीं करते हैं लोगों से, राइट? एक पेशेंस, एक मेच्योर लेवल से डील करना, चीज़ों को समझना, है ना, गुस्सा होने से पहले चीज़ों को समझना, बातें करना, अंडरस्टैंड करना, फटाफट गुस्सा करना, दोस्ती खत्म, तेरे से आज मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर दूसरे दिन बात करना, ये इमेच्योर लोग हैं ना, ये भी बहुत डेंजरस होते हैं, यू नो दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इमोशनली नॉट स्टेबल, दे आर नॉट मेच्योर, दे आर नॉट पेशेंट, सो इनसे भी दूर रहना चाहिए, ओके? ये हो गया सेकंड लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है. एक हो सकता है कि जो हर चीज़ों में अब्यूज हो जाते हैं, मतलब किसी को भी गाली देना, यू नो सोचते भी नहीं है किसी को क्या बोलना, राइट? गुस्से में आ गया उसको एकदम, दे गेट इन टू एनी लैंग्वेज एंड दे टॉक रबिश एंड आपकी कल्चर शायद ऐसा नहीं हो सकता है, उसका कल्चर ये सब गालियाँ देना, बातें करना बहुत ईजी हो सकता है, दिस कुड बी वेरी डेंजरस. सो एनीबडी इज़ वेरी अब्यूसिव, यू नो कभी फिजिकल भी होते हैं, यू नो मारपीट ये सब चीज़ में या फिर गालियाँ देते हैं ना, जो भी है, इन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, करेक्ट? सो दिस आर दी 15 पॉइंट्स, होप दिस विल बी यूजफुल. शादी करने से पहले, प्यार करने से पहले, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने से पहले मेक श्योर ये 15 चीज़ उनके अंदर है, ठीक है? थैंक यू.